Okay, now we move with equation number 3, equation of motion 3, which is u square equals to v square equals to u square plus 2as. Now to drive this, again we will write similar language. As the object covers displacement s during its motion. Okay, so s equals to, again the similar manner, area of trapezium, which one? AOBCD. Okay, OABCD. मतलब हमें फिर से वही प्रोसेस करना है इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए भी. ओके, तो क्या हो जाएगा? और S equals to area of trapezium will be what? It will be equal to 1/2 sum of parallel sides multiply distance between them. Okay? Distance between them. Okay? Now what it will be? It will be 1/2 sum of parallel side again OA, and it will be OA plus it will be BD. Okay? Multiply time T. Okay? Or we may write OD. Okay? Then what will be? Or we may write this 1/2 S equals to 1/2. This OA quantity is U plus this BD. This BD is equal to again OE. Okay? OE. Multiply with time T. OD is equals to, this OD is equals to time T. Okay? Now what? Or we may write S equals to 1/2. 1/2 u plus this OE is equals to v. Okay, ये हमने पहले ड्रॉ कर रखा v multiply this time t. Okay, अब यहाँ पे important point ये आता है, ये जो time t है, इस time t की value हम first equation of motion से derive करके रखेंगे यहाँ पे. Okay, from first equation of motion. Okay, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वॉज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ओके, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, इट विल बी v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, और टाइम t विल कम आउट टू बी फ्रॉम हियर v माइनस u, इस a को अपॉन में ले जाएंगे. ओके, पुटिंग दिस t इन above इक्वेशन, ये जो टाइम t की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. ओके, ये हमने रख दिया है, इसको रखो, क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू 1/2 u प्लस v मल्टीप्लाई, इट विल बी v माइनस u अपॉन a. टाइम t की जगह पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी. नाउ वी में राइट s इक्वल्स टू 1/2, इसको हम v को आगे लिख सकते हैं, u को पीछे लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा. v प्लस u एंड v माइनस u अपॉन a. अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस b a माइनस b. इसका मतलब a b को मान लिया हमने, v को, एंड u को b मान लिया है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास जनरेट हो रहा है, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b, विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो अगर हम इसको मान लेते हैं इसकी जगह पे, इसको मान लेते हैं इसकी जगह पे, तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस हो गए, किसके इक्वल आएगा? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल आएगा. एंड ए की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी? 2 में हो जाएगी. इट विल बी एस इक्वल्स टू, इट विल बी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. वी में राइट, बिकॉज वी प्लस यू एंड वी माइनस यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस आई हैव रिटन. ओके,
नाउ 2a की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इट विल बी 2as इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस यू स्क्वायर को इधर ले जाइए तो हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको जब हम इधर इसके साथ ले जाएंगे और इस वी स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिख दीजिए इसके जब इसके साथ लेकर आओगे 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर पहले लिख लो बिकॉज ये दोनों टर्म इक्वल है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। दिस इज हाउ इक्वेशन नंबर थर्ड विल बी ड्राइव। ओके, इक्वेशन थर्ड टू ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वी हैव टू फॉलो सिमिलर प्रोसेस एज वी डिड फॉर ड्राइविंग इक्वेशन नंबर टू, एंड देन अ स्लाइट डिफरेंस कम हियर व्हेन वी विल पुट द टाइम वैल्यू ऑफ टाइम, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड देन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेटिंग, देन यू विल गेट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Now you must try to solve numerical over all these three equations. These are very important. Okay.